हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज इवनिंग के लिए कुछ नया ट्राई करते हैं। अगर आपको इसका नाम पता है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं नाम नहीं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, और फिर पानी से निकालने के बाद मैंने 2 रोज़ के लिए इसको बाहर में रख दिया था एक बर्तन में डाल के। अब एक पैन गर्म करना है, उसमें डालना है सरसों तेल, उसमें डालना है अजवाइन और एक कटी हुई प्याज, और इसको डाल के ना 30 सेकेंड के लिए अच्छे से इसमें भून लेना है। तो इस तरह से देखिए अच्छे से भून गया है। तब इसमें हम लोग डालेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च अगर तीखा खाते हैं तो जम के डालिए हरी मिर्च। तो इस तरह से डाल के ना इसको अच्छे से मिला लेना है, और मिलाने के बाद अब इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको डाल के 30 सेकेंड के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है। तो इस तरह से, तो ये देखिए अब पक गया है। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे टमाटर। तो आपके घर में कहीं भी कोने में एक छोटा सा टमाटर पड़ा हो तो उसको डाल के इसमें कट के इसमें डाल देना है। ये मसाले जीरा धनिया और लाल मिर्च को मैंने भून के पीस के रखा हुआ है, तो इसको मैंने इसमें डाला है। नमक टेस्ट के अनुसार डालना है, और अब इसमें डालना है थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं, और उसके बाद 10-20 सेकेंड के लिए इसको अच्छे से पका लेना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो देखिए इस तरह से, तो टमाटर गल गए हैं। अब इसमें हम लोग तो जो खिला के रखे थे ना उसको इसमें डाल देना है। तो देखिए इस तरह से अंकुरित हो गया ना, अब इसको इसमें डाल देना है, और डाल के ना इसको अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद ना हम लोग इसको कर देंगे कवर ताकि ये पक जाए। बहुत टाइम नहीं लगता है, मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगी। तो इस तरह से देखिए ये हाफ पक गया है, तो हम लोग इसको एक बार और कवर करेंगे इस तरह से। देखिए अब ये फाइनली पक गया है, और सच में बहुत टेस्टी था। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। धनिया पत्ता डालेंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे, और डालेंगे एक प्लेट में और करेंगे इंजॉय इसको खा खा कर। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।